तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुविघ्नन्ति ये भूरिदाजना। श्री रामकृष्ण वचनामृत 79वां परिच्छेद हम लोग पाठ कर रहे हैं। कुछ पोर्शन का पाठ हम कर चुके हैं। प्राण कृष्ण बैठे हुए हैं। प्राण कृष्ण पुरातन भक्त हैं, मोटा बामन करके उनका नाम था। वे नौका में बैठकर आए थे। मास्टर महाशय भी नौका में बैठकर आने वाले थे, लेकिन नौका में हवा चलने लगी, थोड़ा तूफान आने लगा, डर के मारे मास्टर महाशय उतर गए। जब लौट कर आए, जब पैदल चलते हुए जब आए, तब उन्होंने देखा कि सब लोग बैठे हुए हैं और श्री राम कृष्ण प्राण कृष्ण से बातचीत कर रहे हैं। और यह जो सेक्शन है, ये एक प्रकार से काफी महत्वपूर्ण है। कई बहुत सारी फिलोसॉफिकल दार्शनिक बातें इसमें कही गई हैं। प्राण कृष्ण ने कुछ प्रश्न किए हैं और ने कहा था कि प्रश्न प्राण कृष्ण के प्रति से लगता है कि वे साधक हैं, कुछ पढ़ा लिखा है और साधना करते हैं, जिज्ञासु हैं। उन्होंने प्रश्न किया था, महाराज अनाहत शब्द क्या है, ये पूछा था। उसके बाद पूछा था परलोक क्या है। ये फिलोसॉफिकल प्रश्न है। हम इधर उधर सुनते हैं, हमारे मन में प्रश्न उठता है कि ये क्या चीजें हैं। उसके बाद में श्री राम कृष्ण बोलते चले जाते हैं और उन्होंने कहा कि जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है वो संसार के सारे कार्य करता हुआ भी ऐसा लगता है उसमें अहंकार दिखाई देता है, क्रोध दिखाई देता है, लेकिन वो आसक्ति नहीं रहती। दृष्टांत दिया, बच्चे ने घनौधा बनाया और थोड़ी देर अगर कुछ छू लोगा तो गुस्सा हो जाएगा, कुछ देर बाद खुद ही छोड़ के चला जाएगा, खुद ही बिगाड़ कर चला जाएगा, आसक्ति नहीं रहती। और ये जो बच्चे का भाव है, ये हम कई जगह पर प्राप्त करेंगे। श्री राम कृष्ण भी कहते हैं, श्री राम कृष्ण स्वयं बच्चे जैसे थे, कभी कभी घबरा जाते थे, अब क्या होगा, भूख लगी, प्यास लगी, क्या होगा, ये नहीं नहीं पानी है, शांत, अच्छा, बिल्कुल बच्चे जैसा कभी घबरा जाते थे, फिर अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाते थे। ये जो परमहंस होते हैं, जीवन मुक्त होते हैं, वो कई प्रकार के होते हैं। श्री राम कृष्ण स्वयं कहते हैं, बालवत होता है, पिशाचवत होता है, उन्मत्तवत होता है और जड़वत होता है। चार प्रकार से जो परमहंस होते हैं, सिद्ध पुरुष जिन्होंने जगत को अनित्य जान लिया है, परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, वो चार प्रकार का। और एक कहता है बालक के समान है, ठीक बालक के समान। और ये बालक का भाव अभी हम आगे भी देखेंगे, जब श्री राम कृष्ण कहेंगे कि परमहंस या परमात्मा जो साक्षात्कार करता है, विज्ञानी सभी वस्तुओं को चैतन्य, सभी में भगवान को देखता है। परमहंस जो है वो ज्ञानी, अभी आएगा, ज्ञानी है, वो जगत को मिथ्या देखता है, ब्रह्म को सत्य मानता है, लेकिन विज्ञानी ऊपर से उतर कर जब नीचे आता है तो देखता है संसार की सभी वस्तुओं को, वो चैतन्य देखता है, उसको ब्रह्म देखता है। और ठीक यही बात बालक में होती है। आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, आप लोग तो सब बच्चों को आपने बड़ा किया है, आपके बच्चे हुए होंगे, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। छोटा बच्चा जितनी वस्तुएं होती हैं, छोटी चीजें, एक फूल होगा, एक कुर्सी होगी, एक कार होगा, एक टेबल होगी, सबको वो चैतन्य देखता है, उसको जीवन देखता है, उसमें और हम में उसको अंतर नहीं देखता। पता नहीं आपको याद है कि नहीं, या कभी इसका अनुभव हुआ कि नहीं। मुझे, मैं तो बड़ा भी हो गया, जब मैं काफी बड़ा हो गया था, अब तो खैर धीरे धीरे वो बात मन से निकल गई है, लेकिन 30-35-40 वर्ष की उम्र तक मुझे याद था मैं कार को चैतन्य देखता था, जैसे घोड़ा है या हाथी है वैसे कार। फिर जो फायर ब्रिगेड हुआ करता था, तो फायर ब्रिगेड
पहले जमाने के वो बंद फायर ब्रिगेड, आजकल तो बंद फायर ब्रिगेड हो गए हैं, पहले जमाने के खुले फायर ब्रिगेड हुआ करते थे, बीच में एक सीढ़ी लगी रहती थी और इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ वो फायर ब्रिगेड के लोग एक प्रकार की विशेष टोपी, लोहे की टोपी पहनकर दोनों तरफ उसको खड़े होकर देखा करते थे। लाल रंग की होती थी और वो दिखने में बहुत अच्छी लगती थी, बहुत ही अट्रैक्टिव लगती थी, और वो मुझे ये बिल्कुल जीवंत, जैसे हाथी घोड़ा इत्यादि होगा, जीवंत एक प्राणी लगता था। तो जब कभी घंटी बजे टन टन, पहले घंटी बजती थी, आजकल साइरन बंद है, बज गया ना उसमें, अब ये ठन टन 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 घंटी बजे, तो मैं जहां कहीं भी घर में खेल रहा हूँ दौड़ता था सीधे, वो गैलरी ऊपर रहते थे सेकंड फ्लोर पे, गहरी पहुंचता था उसको देखने के, बट उसको मुझे बिल्कुल जीवन जागृत रखता। मैं जब बड़ा हो गया, मैंने कहा 30-40 वर्ष, तब मैंने कहा कि ये मेरे को कैसा भ्रम था, वो तो डेड है, वो तो जड़ है, उसमें मैं जीवन चैतन्य कैसे देखता था, ये मेरा भ्रम था। लेकिन बाद में जब स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, तब मुझे लगा नहीं, वही सत्य था, वही सत्य है। और जब हमारी अज्ञान की अवस्था दूर हो जाएगी, तब हम फिर उस अवस्था को प्राप्त करें। और ठीक ठीक जीवन जागृत सभी वस्तुओं को देखने का अर्थ ये होता है। हम कहते हैं ना, सब में भगवान दिखते, मतलब क्या, सभी चैतन्य दिखते हैं, इसका मतलब क्या? ठीक यही बात जो बच्चे का भाव रहता, उस भाव को हमें अपने ऊपर आरोपित करना चाहिए। ये जैसा कहा, बच्चे में आसक्ति नहीं होती, वह भाव भी अपने को अपने मन पर आरोपित करना चाहिए। हम कितने आसक्त हैं, प्रत्येक छोटी छोटी चीज में हम आसक्त हैं, बच्चे किसी चीज में आसक्त नहीं। बढ़िया कपड़ा है, पहना है, बाबूजी ने दिया है, तुम दे मेरे को, नहीं दूंगा, दो मिनट बाद छोड़ के चला, ये भाव बिल्कुल ठीक ठीक भाव, ये साधना एक पद्धति, साधना पद्धति, ये बालक के भाव को अपने जीवन पर आरोपित करना, उसका अभ्यास करना, ये एक साधना पद्धति। स्वामी विवेकानंद एक जगह अपने सेइंग्स, जो उनके कुछ उपदेशों का संकलन है, बातचीत करते हुए लोगों ने लिपिबद्ध किया है, कुछ सिस्टर निवेदिता ने लिपिबद्ध किया है, उसमें एक स्थान पर कहते हैं, लोग मिले उनसे, बातचीत कर रहे थे विदेशी लोग, और वो कहने लगे, उन्होंने एक आदिवासी, कुछ एक प्रकार के हॉट एंड टॉट करके नाम की आदिवासी संप्रदाय अमेरिका में है, उनकी उपासना पद्धति बताई कि अपने देवता को पहले पूजा करते हैं फिर मारते हैं, एक लकड़ी का या पुतला जैसा बनाया, पूजा करते हैं, मारते हैं, ये भी सब करते हैं, बिल्कुल पुरातन पद्धति से, जैसा है कि अनकल्चर्ड, असंस्कृत लोग इस प्रकार, हम तो ऐसा नहीं करते स्वामी। और उन्होंने जब कहा कि ऐसे आप क्या कहते हैं उसकी, उसकी निंदा कीजिए, स्वामी जी ने कहा मुझे फुर बताओ, पूरा बताया, और उसके बाद स्वामी जी कहते हैं, अरे ये तो बिल्कुल ठीक करते हैं, तुम उसकी निंदा करने को कहते हो, वो तो ठीक बच्चे जैसा व्यवहार करते हैं, बच्चा जिस प्रकार से करता है, वो सभी वस्तुओं को जीवंत देखता है, वो भी उस जानवर, उस व्यक्ति को, उस मूर्ति को जीवंत जागृत देखते हैं, तो बिल्कुल ठीक करते हैं। ये बात मैंने इस संदर्भ में कही जो अभी आएगा, यहां पर भी है, ज्ञानी की बात श्री रामकृष्ण कहते हैं, अभी तक कहा ये सब ज्ञानी के लक्षण है, चाहे घर में बड़ा ऐश्वर्य हो, शीशे में तस्वीरें, घाड़ी घोड़े, परंतु दिल में आ जाए तो सब छोड़ छाड़ कर काशी की राह पकड़ ले। ये बात इतनी महत्वपूर्ण बात है, हम भी ये गृहस्थी में, याद रखिए, हम भी आश्रम की गृहस्थी में, आप लोग भी आश्रम की गृहस्थी में, इस बात को मन पर ढारने का प्रयत्न करिए, रोज सोचिए, अगर आज कुछ ऐसी स्थिति आ जावे, क्या मैं छोड़कर जा सकता हूं, पीछे मुड़कर नहीं देखूं? बड़ा कठिन, देखेंगे आप कितने तरह से, कितनी जगह से हम बंधे हुए, दिख नहीं रहा है, कितनी रस्सियों से बंधे हुए, इसको नहीं छोड़ सकते, उसको नहीं छोड़ सकते, उसको नहीं छोड़ सकते, मेरे बिना उसका क्या होगा, फलाने का क्या होगा, कितनी सारी बातें,
ज्ञानी का लक्षण याद रखिए। गीता में द्वितीय अध्याय में जहां पर स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए गए, अंत में अंत के 18 जो श्लोक हैं गीता के, वहां पर अर्जुन पूछता है स्थित प्रज्ञ से का भाषा, स्थित प्रज्ञ है उसकी परिभाषा क्या है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, समाधिस्थस्य, जो समाधि में स्थित हो गया है कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे आचरण करता है बताओ। और भगवान उसका आचरण करते हुए कहते हैं कि वो जो प्रजहाति यदा सर्वान कामान पार्थ मनोगतान, मन की जितनी कामनाओं को त्याग देता है, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट, अपनी आत्मा में ही जो संतुष्ट रहता है, ऐसा स्थित प्रज्ञ होता है, दुख में विचलित नहीं होता, सुख में वो फूला नहीं समाजता, ऐसा भी नहीं होता। वीतराग भय क्रोध, राग भय क्रोध जिसका नहीं चला गया, स्थित प्रज्ञ, इंद्रियों के विषय में वो प्रलोभित नहीं होता, इत्यादि इत्यादि लक्षण बताने। अब लक्षण बताने का अर्थ क्या, अगर आप कहीं बाहर जाएं और वहां से आप कोई आपका मित्र मिले कि मैं चंडीगढ़ जा रहा हूं, स्वामी ब्रह्मेश्वरानंद से मिलना है, तो उनको बताओ कैसे हैं, देखो तो वो लंबे हैं, ऊंचे हैं, ऐसे हैं, हल्के गोरे रंग के हैं, टोपी पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, ये लक्षण हो गए हैं, उससे क्या है ब्रह्मेश्वरानंद को पहचाना जाए। तो यहां पर भी गीता में स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए गए। इसका अर्थ क्या हुआ, अगर कोई व्यक्ति आ गया, कोई सन्यासी आ गया, ब्रह्मेश्वरानंद है, और देखें ये सुख दुख में क्या विचलित होते हैं कि नहीं होते हैं, और राग गुस्सा आता है कि नहीं आता है, उनको आसक्ति है कि नहीं है, देखें तो ये नहीं है। गीता में जो लक्षण बताए गए उसका उद्देश्य कोई सामने वाला व्यक्ति आए उसको नापना, उसकी परीक्षा करके निर्णय करना कि ये स्थित प्रज्ञ है, ये नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लेने की, वो किस लिए है, शंकराचार्य उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण है वे साधक के साधन है, साधक के साधन है, यानी जो अपने मन से सभी कामनाओं को त्याग कर देता है, आत्मा में ही संतुष्ट होता है, सुख दुख में विचलित नहीं होता, ऐसा स्थित प्रज्ञ। मतलब हमें देखना है कि हम अपने मन से अपनी कामनाओं को दूर कर रहे हैं या नहीं, कामनाएं दूर हुई हैं या नहीं, सुख और दुख में हम विचलित होते हैं कि नहीं, हम में भी राग भय क्रोध हैं या नहीं, उनको अपने जीवन में उतारना है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण साधक के साधन है, याद रखिए। और जब गीता में यह बात कही गई, ठीक उसी प्रकार की बात श्री रामकृष्ण यहां कह रहे हैं, ज्ञानी के लक्षण दिल में आ जाए तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर काशी की राह पकड़ ले, छोड़ने की बात नहीं कर रहे, लेकिन इसे हमें जीवन में उतारना है। ज्ञानी के क्या लक्षण है उसे हमें जीवन में उतारना है, तब तो साधना होगी, नहीं तो पढ़ लिया स्थित प्रज्ञ ऐसा होता है, ज्ञानी ऐसा होता है, बस उसे क्या लाभ होगा, ये उद्देश्य नहीं। उद्देश्य यह है कि उन्हें अपने जीवन में उतारना, एक एक चीज को पढ़ के उसको बालक का भाव, ज्ञानी का भाव, उसको अपने ऊपर लगा के टेस्ट करने का प्रयत्न कर। और नहीं तो फिर कहेंगे नहीं महाराज ये हमारे लिए नहीं है, ये तो संसारियों के लिए है। नहीं, आगे अगला सेक्शन जो आएगा जो हम आज पढ़ेंगे उसमें लिखा है, क्या गृहस्थ को विज्ञान हो सकता है। गृहस्थ, याद रखिए हिंदू धर्म में तो जितना भी साहित्य है, जितना भी आध्यात्मिक साहित्य है, चाहे गीता हो, चाहे योग वशिष्ठ हो, जो पक्का अद्वैत वेदांत अजातवाद की बात करता है, कहता है कि जगत है ही नहीं, वहां पर भी जितने वर्णन हैं, जितने पात्र हैं, वे सब के सब या तो राजा हैं या गृहस्थ हैं, विवाहित हैं, सब के सब। सन्यासी एक दो बिरले यहां वहां मिलेंगे,
रामायण महाभारत इसमें आदर्श पात्र सब गृहस्थ। ये विशेषता जय हिंदू धर्म की, जैन धर्म बौद्ध धर्म ये संन्यास प्रधान धर्म है, नहीं छोड़ना पड़ेगा, बाह्य त्याग भी करना पड़ेगा। यहां कहते हैं नहीं, बाह्य त्याग नहीं, हम आपको नहीं कहते घर छोड़ के चले जाओ, लेकिन मन में सोचो कि इतनी अनासक्ति है कि नहीं, ध्यान रखो मन पक्का करो, किसी भी दिन संसार चला जाएगा, अनित्य है। बहुत सारे दृष्टांत है ना, अभी आएगा बहुत सारे दृष्टांत, आज श्री राम कृष्ण स्वयं कुछ देंगे। वेदांत के मत से जागृत जागरण अवस्था भी कुछ नहीं है, तीन अवस्था है, जागृत अवस्था ये जो हम देख रहे हैं, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था गाढ़ निद्रा अवस्था। वेदांत के अनुसार कहते हैं जागृत अवस्था और सुषुप्ति अवस्था सपना अवस्था दोनों एक प्रकार की, यह जो दिखाई दे रहा है यह भी स्वप्न ही है, लंबा स्वप्न है। स्वप्न जब हम उठते हैं तो टूट जाता है, लेकिन जब स्वप्न देखते हैं तब क्या होता है, ठीक दिखता है, तो बिल्कुल ठीक दिखता है, कोई अंतर नहीं दिखता, बिल्कुल वैसा के वैसा अनुभव जैसा जागृत में हुआ है वैसा होता। और बच्चे तो वो अंतर बिल्कुल नहीं करते हैं, मालूम है ना आपको, जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था का अंतर कर ही नहीं सकते। और जब मैं स्वप्न में डरावना स्वप्न आ जाता है तो घबरा जाते हैं, रोने लग जाते हैं, जिसको आप नाइटमेयर कहते हैं। जागृत अवस्था में उठे फिर भी वो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, वही बात ज्ञानी की बात ठीक वही बात है अभी आएगा। वेदांत विचार के द्वारा कहते हैं जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था दोनों एक। योग वशिष्ठ में भी यही बात, अनेक कहानियां बता सकता हूं आपको। एक व्यक्ति ने डुबकी लगाई पानी में स्नान करने को, और स्नान कर किया अंदर जब डुबकी लगाई तो उसने एक दृश्य देखा, वो डुबकी लगाई उसने देखा कि वो कहीं जा रहा है, और वहां पर एक चांडालों के वहां पड़ गया, उसकी विवाह एक चांडाली से हो गया है, उसके बाद में वो वहां से छोड़ के चला गया कहीं जा रहा है, और उसके बाद एक नगर में राजा एक मर गया था, तो नियम था कि राजा जब मर जाए तो एक हाथी छोड़ देते थे, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को हाथी पकड़कर सिर पे बिठा दे वहां उस पर अपने ऊपर वो राजा बना देते थे। ये व्यक्ति गया, उसको लोग उस हाथी ने पकड़कर उसे बिठा दिया, वो राजा बन गया, अच्छा राज्य करा था। इतने में उसके चांडाल पड़ा, चांडाल जहाँ रहते थे, कई वर्षों बाद एक चांडाल वहां पर आया, उसने पहचान लिया, अरे अरे भोलू तू यहाँ कैसे आ गया। जैसे पहचाना तो लोगों ने कहा अरे तू चांडाल, और हम इतने वर्षों तक चांडाल के राज्य में रहे, अरे राम राम बड़ा पाप है इसका प्रायश्चित तो जल के मरना, सब लोग जल के मर गए। उसने ये दृश्य देखा, इतने में ऊपर आ गया, पानी के ऊपर आ गया, उसने कहा ये क्या बात, ये तो मैं स्वप्न देख रहा था, ये दृश्य देख रहा था, कल्पना थी क्या। इतने में जैसे ही वो पानी से बाहर आके बाहर बात करने लगा, इतने में एक व्यक्ति उसका मित्र मिलने के लिए आया, और मिलने वाला व्यक्ति कहता अरे अरे मैं एक राज्य से आ रहा हूं, वहां एहसास हुआ ठीक जो उसने देखा था वो वही उसने। ये क्या, ये संसार बाहरी संसार जो है वह हमारे मन की कल्पना मात्र है। स्वप्न जिस प्रकार कल्पना मात्र है, बाह्य जगत भी उसी प्रकार कल्पना मात्र। याद रखिए श्री राम कृष्ण अभी ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, इस चैप्टर में सारे ज्ञान की चर्चा हो, तो ज्ञान का अर्थ आप देख लीजिए क्या कहते हैं उसको, ये जगत मिथ्या, किसी ने विभिन्न प्रकार से उसको सिद्ध करते हैं कि जगत मिथ्या है। वह एक प्रकार है तीन अवस्थाओं का चिंतन, जागृत अवस्था स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था गाढ़ निद्रा अवस्था, उसमें स्वप्न और जागृत अवस्था दोनों नहीं रहती, केवल अज्ञान रहता है। जब हम सोकर उठते हैं तो कहते हैं कि बड़ी अच्छी नींद आई, मैं कुछ नहीं जानता था, ज्ञान ज्ञान आवरण से छपा हुआ है, मैं हूं वहां पर, मैं अनुभव कर रहा हूं, लेकिन अज्ञान का अनुभव कर रहा हूं और सुख का अनुभव। ये हुआ अवस्था त्रय विचार। कहते हैं कि तीनों अवस्थाएं बदलती जाती हैं, केवल एक चीज रहती है हमारा आत्मा, जो तीनों अवस्थाओं में एक समान तीनों में रहता है।
वह आत्मा जागृत अवस्था में इन इंद्रियों के माध्यम से भोग करता है, पांच इंद्रियों वगैरह के माध्यम से। स्वप्नावस्था में सूक्ष्म इंद्रियों के, वहां पे भी भोग, खाना खाना खाते हैं, स्वाद होता है, सुनाई देता है, सब इंद्रियां हैं सूक्ष्म रूप से। इसलिए कहते हैं जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था ज्ञानी एक देखता है। श्री रामकृष्ण यही कहते हैं, वेदांत के मत से जागरण अवस्था भी कुछ नहीं, किसी लकड़हारे ने स्वप्न देखा था। क्या कहा मैंने, तो ज्ञान के लिए, इसमें प्रतिष्ठित होने के लिए कि जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था एक है, संन्यास की आवश्यकता नहीं। एक लकड़हारा है, विवाहित है, कच्ची नींद में ही किसी दूसरे ने के जगाने देने पर उसने झुंझलाकर कहा, सो रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं, किसी ने जगा दिया, तूने मुझे कच्ची नींद में जगाया, मैं राजा हो गया था और सात लड़कों का बाप, मेरे बच्चे लिखते पढ़ते थे, अस्त्र विद्या सीख रहे थे, मैं सिंहासन पर राज बैठा राज कर रहा था, क्यों मेरा सब्ज बाग उजाड़ डाला। हाँ बढ़िया था, इतना आनंद हो रहा था, तूने उजाड़ दिया। उस पर आदमी ने कहा, अरे वह तो स्वप्न था, उसमें क्या रखा है। लकड़हारे ने कहा, चल तू नहीं समझा, मेरा लकड़हारा होना जिस तरह सच है, स्वप्न में राजा होना भी उसी तरह सच है। लकड़हाना होना यदि सत्य हो तो स्वप्न में राजा होना भी सत्य है, और लकड़हा स्वप्न में राजा होना अगर मिथ्या है तो बाहर जगत भी मिथ्या है। और फिर वो कहानी है ना दूसरी, उसका लकड़हारे का पुत्र मर गया और उसकी पत्नी रोते हुए आई, तो उसको कुछ नहीं, चुपचाप, तो कह रहा है कितना निर्दय है ये, है बूढ़ी उम्र में बच्चा मिला, इतनी आसक्ति, इतना प्रेम से बड़ा किया, ये मर गया और इनकी आंखों में आंसू नहीं। तो कह रहे मैं क्या तुम्हारे एक पुत्र के लिए रोऊं या मेरे सात पुत्र के लिए रोऊं। इसे कहते हैं ज्ञान। श्री रामकृष्ण कहते थे ज्ञान में प्रतिष्ठित होना है, पढ़ लेना, कितनी बार पढ़ा ये कहानी, हुआ दिमाग में बात हुई, हम आसक्त अनासक्त हुए नहीं, हमारे लिए सब कुछ सत्य है, घर सत्य है, पुत्र पत्नी संतान मकान पैसा सब सत्य है, लेकिन वेदांत ज्ञान के अनुसार वेदांत कहता है सब मिथ्या है, स्वप्नवत है, ये बड़ा स्वप्न है छोटा सा। एक विदेशी शायद ग्रीक फिलोसोफर थे, नाम याद नहीं, वो यही कहते थे ये जगत मिथ्या है, मिथ्या है, असत्य है, ये ड्रीम है, स्वप्न है, जगत स्वप्न है। एक बार लोग हंसी मजाक करते हंसी करते थे लोग, एक दिन लोगों ने पकड़कर उनको खूब पीटा, बोलो अब ये स्वप्न जगत स्वप्न है तो, जागृत अवस्था स्वप्न है तो, ठीक है हाँ स्वप्न तो है, ये पेनफुल ड्रीम, ये दुखदायक स्वप्न है, स्वप्न है। कभी अच्छा स्वप्न देखते हैं, कभी बुरा स्वप्न देखते हैं, लेकिन है स्वप्न, ऐसी निष्ठा, ऐसी निष्ठा। तो श्री रामकृष्ण उसी बात कहते हैं। अब श्री रामकृष्ण विज्ञानी की बात कर रहे हैं, नेति नेति करके साक्षात्कार होने को ज्ञान कहते हैं। जैसा अभी कहा ना कि वो घर में रहता है, शीशे मेज तस्वीर, दिल आ जाए सब छोड़कर काशी चला जाए, ये ज्ञानी का लक्ष्य। नेति नेति करके आत्मा का साक्षात्कार किया, मैं आत्मा हूं, अपने सच्चिदानंद स्वरूप का साक्षात्कार किया और परमात्मा के साथ उसको एकत्व का अनुभव किया। इस साक्षात्कार का मतलब क्या, मैं कौन। तो कभी कभी आत्म साक्षात्कार लोग बोलते हैं कोई ज्योति दिखेगी, ऐसा होगा, समाधि हो जाती है, ठीक है समाधि होना चाहिए, यह नहीं यह नहीं यह नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, क्योंकि ये शरीर और मन तो मैं है, मेरे हैं, मैं क्या हूं, वो आप खुद नहीं जान सकते। विचार करके नहीं यह नहीं यह नहीं यह नहीं, ऐसा करते 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 जो बचता है वो आत्मा, वो
वाणी से नहीं प्राप्त कर सकते, अगर उसको पा लिया तो फिर तो वो तो दृश्य हो गया, वो स्वयं एक दृश्य हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट नहीं हुआ, जो भी हो। उसके बाद नेति नेति विचार करके मनुष्य समाधि में आत्मदर्शन करता है। श्री रामकृष्ण साफ कर दिया कि आत्मदर्शन होता है समाधि में। विज्ञानी अर्थात विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करना, किसी ने दूध के का नाम ही नाम सुना है, किसी ने दूध भर देखा भर है और किसी ने दूध पिया है, जिसने सिर्फ सुना है वह अज्ञानी, जिसने देखा है वह ज्ञानी, जिसने पिया वह विज्ञानी। विशेष रूप से ज्ञान उसी को हुआ है। ईश्वर को देखकर उनसे वार्तालाप करना जैसे वे परम आत्मीय हो, इसी का नाम विज्ञान। श्री रामकृष्ण बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं, यहां से विज्ञान का विषय प्रारंभ होता है। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें जिसे कहते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें, इतना आसान नहीं। लेकिन याद रखिए, वो जो पॉलिटिक्स में आती ना, पेपर में आती है, उस बातों से तो ये अच्छी है ना, 10 गुना 100 गुना। बड़ी बड़ी बातें करो, भले समझ में नहीं आए, करो तो मन तो उधर रहे, विज्ञान की बात करो। अरे बड़ी बड़ी बातें करते हो भाई, बड़ी विज्ञान कि भैया मेरे को वो आपकी कौन बादल जीता ना, बिजली गिरी, कुछ हमको नहीं करना है। तो श्री रामकृष्ण ये विज्ञान की स्थिति को दो प्रकार से उसकी व्याख्या करेंगे। एक जो भक्ति की दृष्टि से उन्होंने व्याख्या की है अभी, क्या पहले उन्होंने दूध की दृष्टांत दिया, दूध के बारे में सुना है, इंटरनेट में गए, दूध कितने प्रकार का होता है सारी इंफॉर्मेशन ले ली, आजकल तो बहुत सारी चीजें हैं, इटली के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले ली, वो क्या है मैं सब जानते हैं इटली के बारे में, रोम के बारे में सब जानते हैं, फोटो भी देख लिए, ये क्या हुआ, ये अज्ञान, श्री रामकृष्ण अज्ञान कहते हैं दूध। फिर उसने किसी ने दूध को देखा है, वह ज्ञानी है, गए इटली एक बार घूम के आ गए, हाँ हाँ हम देखा है, रोम भी चले गए, जो पहले फोटो देखा था और रोम चले गए, ऐसे से चले गए, ये हुआ ज्ञान। और तीसरा जो व्यक्ति वहां पर रहता है, इटालियन है, रोम का वासी है, बंदा है, उसका ज्ञान और मेरा ज्ञान उसमें अंतर होगा कि नहीं होगा, जिसने दूध को देखा है, दूध को खा पीकर हृष्ट पुष्ट हुआ है, उसको विज्ञान कहते हैं। ये एक हुआ भक्ति की दृष्टि से, द्वैत से प्रारंभ हुआ, भगवान को पहले भगवान के बारे में सुना, ईश्वर को देखकर, उसके बाद विशेष ईश्वर को एक बार साक्षात्कार हुआ, ईश्वर का दर्शन हुआ, उसके बाद में उनसे वार्तालाप करना, हैंडशेक करना, हेलो हाउ आर यू, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना, जैसा श्री रामकृष्ण, जैसे परम आत्मीय हो, इसी का नाम विज्ञान है। श्री रामकृष्ण के शिष्य लोग भी विज्ञानी। एक दृष्टांत, स्वामी प्रेमानंद जी एक बार कहीं उत्सव में जा रहे थे, ईस्ट बंगाल में शिप में जाना पड़ता था, वो तो समुद्र है ना उधर, तो शिप में शायद जाना पड़ता था, वो गए हावड़ा, हावड़ा पोर्ट से जाना पड़ेगा, गए श्री रामकृष्ण के पास, गए मंदिर में, गए प्रणाम किया, प्रार्थना की, परमिशन लेते हैं जैसे हम लोग भी जाते हैं, कुछ प्रणाम करके जाते हैं। उसके बाद में सुन रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, प्रेमानंद जी कह रहे हैं नहीं जाऊं, अच्छा नहीं जाता, श्री रामकृष्ण उनकी बातचीत कर रहे हैं, नहीं जाता, आके उन्होंने कह दिया कि मेरी तो अनुमति नहीं मिली श्री रामकृष्ण से, मैं नहीं जा रहा। लोग बड़े उदास हो गए, अरे साहब कार्यक्रम रखाते थे कि मैं क्या करूं, श्री रामकृष्ण ने मना कर दिया।
और हुआ क्या, जिस जहाज में जाने वाले थे वो जहाज ही डूब गया। श्री राम कृष्ण देव उनको बातचीत करते थे, ब्रह्मानंद जी ये भी विज्ञानी, वो किसको ही कहता था फलाने फलाने जगह इनविटेशन बुलाया, हम लोग अपने टाइम टेबल बना दिया ना, क्या ठीक है, हमने बोल दिया कि हम कहाँ जाएंगे, अभी हम कहाँ जा रहे हैं, रांची 10-11 तारीख को कार्यक्रम है, 12 तारीख को लौटेंगे, हमने परमिशन दे दिया, लिख दिया। ब्रह्मानंद जी को लोग कहते थे कि आप महाराज वहाँ जाना है, आइए कार्यक्रम, ठीक है भाई देखो पंजिका देख के बताओ तो कौन सा दिन अच्छा है, अपशुकन नहीं होना चाहिए, बंगाल में वो लोग वीरवार रविवार को ये जो टाइम है ना इसको बार बेला बोलते हैं, ये बन जो करते हैं ना, ये दिस पोर्शन या कुछ इसके पहले है उसको कहते हैं, ये इसमें काम नहीं करना चाहिए, शुरुआत नहीं करना चाहिए, बंगाल उसमें दक्षिण भारत में तमिलनाडु है मता है राहु कालम, राहु काल यानी जिसपे राहु की दशा है उस समय का काम प्रतिदिन अलग अलग समय होता है, कभी सोमवार को राहु काल 12 बजे का है, मंगलवार को 3 बजे का है, ऐसा वो पंजिका में सब लिखा है राहु कालम राहु कालम, ऐसा तो जो लोग मानते हैं तो वो अच्छा काम शुरू काम नहीं करते उसमें। मैंने एक बार उससे पूछा है कि ये किसी व्यक्ति से कि भाई ये राहु कालोबर का हम तो नहीं मानते, स्वामी जी ये लोग नहीं काम नहीं करना चाहते इसलिए बहाने बना जो माने तो वो बड़ा मुश्किल में पड़ जाता, जो माने तो फिर बड़ी मुश्किल है, कुछ काम ही नहीं कर सकते आप, बंगाली कुछ लोग बहुत मानते हैं, तो वो अपना सब देख के और टाइम टेबल बना लेते थे, उसके बाद कहते हैं अच्छा फलाने तारीख को हम आएंगे, और एक दो दिन पहले या लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर देते। ब्रह्मानंद जी अरे आपने प्रॉमिस किया है कैंसिल कर दे। एक दिन ऐसा ही हुआ, बैठे हुए थे किसी ने कहा और वो टाइम अपना बता रहे थे किसी को, मैं ये ऐसा टाइम टेबल बना लो, उनके शिष्य और सेवक जो आगे चल के स्वामी प्रभवानंद जी हुए, अमेरिका में रहे बहुत प्रसिद्ध उच्च कोटि के संत, उनकी पुस्तकें बड़ी सुंदर हैं, वो हंस दिए, उनके सेवक थे अटेंडेंट थे, स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कहा क्यों हंस रहे हो, कहा कि आप हमेशा ऐसा पंजिका देखकर बड़े सीरियस होके अपना टाइम टेबल वगैरह बना देते हैं और फिर हमेशा कई बार आप उसको कैंसिल कर देते हैं, इसलिए हंसी आ गई मेरे को, ऐसा क्यों करते हैं, ढोंग क्यों करते हैं, इस प्रकार का एक दिखावा। तो कहते हैं क्या ये लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं डेट फिक्स करने के लिए, टाइम फिक्स करने के लिए, तो मैं उसको करना पड़ता है, फिर कैंसिल क्यों करते हैं, वो श्री राम कृष्ण का आदेश नहीं मिलता इसलिए। तो उन्होंने कहा कि आप क्या सभी काम के लिए श्री राम कृष्ण का आदेश प्राप्त करते हैं, हाँ मैं बात करता हूँ, वो मेरे को अनुमति देते हैं तब मैं जाता हूँ, नहीं तो नहीं जाता हूँ, तो सभी कामों के लिए कहा सब काम के लिए। तो निकले कि फिर आप शिष्य भी बनाते हैं श्री राम कृष्ण की अनुमति के द्वारा, कि हाँ बिना उसके नहीं बनाते, तब उनकी आंखें खुल गई, और उसके बाद में उन्होंने ध्यान दिया तो देखा कि उनके ब्रह्मानंद जी के आचरण को अगर सावधानी से देखा जाता तो उनको लगता कि वे सदा सर्वदा श्री राम कृष्ण से बातचीत करते हैं, उसके अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। इसको कहते हैं विज्ञानी, भक्त की दृष्टि से, मैंने कहा ना एक भक्त की दृष्टि से विज्ञानी, अब ज्ञानी की दृष्टि से विज्ञानी श्री राम कृष्ण कहते हैं। पहले नेति नेति किया जाता है, अभी बताया वे पंचभूत नहीं है, मन बुद्धि अहंकार भी नहीं है, वे सब तत्वों से परे हैं। क्या कहा, नेति नेति, यह नहीं यह नहीं यह नहीं, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, मैं आपको जहां संभव सरल बना के समझाने का प्रयत्न करूंगा, इसलिए मैं वो बीच बीच में कहानियां भी कह देता हूं। नेति यह नहीं यह नहीं, न इति यह नहीं यह नहीं, पंचभूत, पंचभूत यानी आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इससे सारा जगत बना हुआ, हमारा शरीर भी उससे बना हुआ, ये लकड़ी इत्यादि सब कुछ जो है उसमें पंचभूत का कॉम्बिनेशन है,
कहते हैं कि यह जो शरीर है यह पंचभूत है क्या? कि नहीं, यह पंचभूत तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होकर यह शरीर बना हुआ है, ये तो परिवर्तनशील हो जाए, क्षण भगुर है, बदलते जा रहे हैं। और मैं तो आत्मा हमेशा बना हुआ हूं, बचपन से अभी तक बना हुआ हूं, मैं आत्मा ये पंचभूत नहीं हो सकता। ये क्या हुआ? पंचभूत विवेक, समझिए, ये पंचभूत विवेक। उसके बाद कहते हैं मन बुद्धि अहंकार नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये क्या है? अंतःकरण विवेक। अंतःकरण यानी इनर ऑर्गन, जिसको हम एपरेंटली सामान्य भाषा में मन कहते हैं, इसमें क्या है? एक है संकल्प विकल्प करने वाला। स्वामी जी बोल रहे हैं ठीक, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? हाँ ठीक ही बोल रहे हैं। तो जो संकल्प विकल्प किया वह हुआ मन का, हम उसका फंक्शन हुआ मन। निर्णय किया हाँ ठीक, यह बुद्धि किसने किया? मैंने, अहंकार। और उसके बाद यह अंदर जाकर मन में बैठ गया, वो हो गया चित्त। तो हमारे मन के चार फंक्शंस हैं, चार क्रियाएं हैं, इन चारों क्रियाओं को मिलाकर कहते हैं अंतःकरण। क्या यह अंतःकरण मैं हूं, आत्मा है? नहीं, अरे ये तो बदल रहा है, बार बार बदल रहा है, वो स्थाई कुछ नहीं है। ये हुआ मन बुद्धि अहंकार या अंतःकरण विवेक। फिर वे सब तत्वों से परे हैं, ये पंच तत्व ये आए, और भी अगर आप एलिमेंट्स लेते हैं आधुनिक भाषा में कहें तो बहुत सारे हैं, ये हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सब आप तत्व एलिमेंट्स कह सकते हैं। इन सब तत्वों से आत्मा भल भिन्न है, परे है, विचार कर लिया। छत पर चढ़ना होगा, सब चिड़ियों को एक एक करके छोड़ देना होगा, ये पंच तत्व मैं नहीं हूं, आत्मा नहीं, छोड़ा ना। उसी प्रकार सीढ़ियां हैं, अब छत पर डालना है, ये एक सीढ़ी पर पैर रखा, ये छत है क्या? नहीं, ये कैसे छत हो सकती? दूसरी सीढ़ी, नहीं नहीं अभी नहीं पहुंचे। तीसरी सीढ़ी, अरे ऊपर चढ़ो बाबा, अभी तीन सीढ़ियों पर ही आए हो। चौथी सीढ़ी, नहीं नहीं पांच सीढ़ियां और बाकी हैं। एक एक सीढ़ी को छोड़ते चले गए और जब ऊपर पहुंचे देखा ये सीढ़ियां छोड़ने पर ही छत प्राप्त। छत पर पहुंचे, परंतु छत पर पहुंचकर देखा जाता है जिन चीजों से छत बनी है, ईंट, चूना, सुर्खी, उन्हीं चीजों से सीढ़ियां भी बनी है, सीढ़ी भी उन्हीं चीजों से बनी हुई है, पर सीढ़ियां कभी छत नहीं है। जो पर ब्रह्म है वही जीव जगत 24 तत्व भी हुए हैं, जो आत्मा है वही पंचभूत भी हुए हैं। मिट्टी इतनी कड़ी क्यों है अगर वह आत्मा से बनी हुई है? उनकी इच्छा से सब हो सकता है। हाड़ मांस शोणित और शुक्र से ही तो, हाड़ मांस शोणित और शुक्र से ही तो होते हैं। समुद्र का फेन कीड़ा कितना कड़ा होता है, समुद्र का फेन आपने देखा? पता नहीं देखा कि नहीं, समुद्र का फेन डले जैसा, समुद्र में जो तरंगे आती हैं तो किनारे पर जो झाग उठते ना फेन, हाँ, वो आगे किनारे पे आके आके पड़ता जाता है, पड़ता जाता है, वो इकट्ठा होता जाता है। हमारे यहाँ तो फेन जो है ज्यादा से ज्यादा अपना फेन साबुन का फेन ज्यादा देखते हैं, वो थोड़ी देर रखो तो सब गल जाता है, वापस पानी में मिल जाता है। ये समुद्र का फेन आते आते एक तरफ इकट्ठा हो जाता है, बहुत इकट्ठा होने के बाद वो कड़ा हो जाता है, उसको फिर निकाल लेते हैं, फेन हो जाता है वो, और वो इतना कड़ा हो जाता है कि चौक जैसा उसका उपयोग किया जाता है। यही नहीं, जहां तक मुझे अभी तो ठीक से याद नहीं, वो उसको पवित्र मानते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं। जहां कहीं भी पूजा इत्यादि में कहीं पर डिजाइन वगैरह बनाना हो तो कहते हैं कि चौक से नहीं, समुद्र के फेन से बनाओ। क्यों? समुद्र का फेन मानव के द्वारा निर्मित नहीं है, प्रकृति के द्वारा निर्मित, सफेद सफेद डले जैसे, ये कड़ा पानी से बना कड़ा। ये शरीर हाड़ मांस बने हुए हैं, ये कहां से बने हैं? ये शोणित और शुक्र से बने हैं, माता पिता के अंग से निर्मित होकर छोटा सा एम्ब्रियो बना था, वो क्या था? बिल्कुल पानी जैसा, उससे इतनी कड़ी हड्डी बन गई। तात्पर्य यह है कि ब्रह्म जो है निर्गुण निराकार होते हुए भी
ये सारा जगत उसी से उत्पन्न हुआ है। वही पर ब्रह्म जीव जगत 24 तत्व भी हुए हैं, लेकिन उसके पहले नेति नेति करके इसको यह तो कहना पड़ेगा कि यह जगत सत्य नहीं है, यह शरीर मन बुद्धि अहंकार, ये मैं नहीं हूं, आत्मा नहीं है, यह निगेशन पहले करना पड़ेगा। श्री रामकृष्ण को इसे कहते हैं अनुलोम और विलोम, निगेशन एंड एफर्मेशन एक्सेप्टेंस। नहीं तो सब कहते हैं ये जगत सब ब्रह्म है, और फिर आप जो कुछ करो चाहो सो करो, अपनी वासनाओं की पूर्ति करो, अरे ये तो सब ब्रह्म है, मैं संसार में रह रहा हूं, खा पी रहा हूं, मजा कर रहा हूं, ये भी ब्रह्म है। श्री राम कृष्ण ऐसे वेदांत को स्वीकार नहीं करते। या फिर कहो मिथ्या है, ये सारा जगत मिथ्या है। और एक कोई आया था साधु, उस प्रकार की बात करता था और दुराचरण करता था। श्री राम कृष्ण ने जाकर कहा कि क्यों भाई, तुम तो वेदांती हो, मैंने सुना है जगत मिथ्या मानते हो, तो मैं तुम्हारे बारे में ये क्या सुन रहा हूं, तुम्हारा आचरण कुछ ठीक नहीं है, दुराचरण है। तो अरे क्या बात करते हैं आप, आइए आइए बैठिए, मैं बता देता हूं, ये जगत मिथ्या है ना आपकी, हाँ, ये मन में विचार उठते हैं भी मिथ्या है ना, हाँ, तो फिर मेरा जो कार्य कर रहा हूं बुरा कार्य, वो भी क्या मिथ्या होगा, वो भी क्या सत्य होगा, वो भी तो मिथ्या है। बहुत गुस्सा आया श्री रामकृष्ण, कहते साले मैं तेरे इस वेदांत पर थूकता हूं, मैं तेरे वेदांत पर थूकता हूं। क्या मतलब है, जब तक जगत को मिथ्या सिद्ध नहीं किया जाता विचार करते करते, तब तक हम यह नहीं मान सकते कि जगत ब्रह्म है। इसका दृष्टांत आगे आता है, बड़ा सुंदर दृष्टांत। विज्ञान के होने पर संसार में भी रहा जा सकता है, लेकिन पहले विज्ञान होना चाहिए। सभी मान लें कि हम विज्ञानी हैं, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए ऑर्थोडॉक्स वेदांत में स्वयं श्री रामकृष्ण जैन जब वेदांत की साधना की, तो उसके पहले तोतापुरी महाराज ने कहा था कि तुमको संन्यास लेना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा, बिना संन्यासी के हम ज्ञान उपदेश नहीं देंगे वेदांत का। हम लोग भी जब संन्यासी होते हैं उसके बाद में हमको महावाक्य सुनाया जाता है, विरजा होम किया जाता है, सब करते रिचुअलिस्टिकली। इसका मतलब ये नहीं कि हम ज्ञानी हो गए, लेकिन ये परंपरा है। यहां पर श्री रामकृष्ण दूसरी बात कह रहे हैं, यह ऑर्थोडॉक्स परंपरा अब हो गई है, लेकिन पहले संसार में विज्ञानी होकर भी रहा जा सकता है। कहते हैं विज्ञानी होने पर संसार में ही भी रहा जा सकता है, तब अच्छी तरह अनुभव हो जाता है कि जीव और जगत वे ही हुए हैं। पहले नेति नेति यह नहीं यह नहीं यह नहीं करके जब आप ऊपर चले गए, उसके बाद भी देखते हैं कि जितना सब बना हुआ है वो सब वही है। ईंट चूना पत्थर की जैसे छत बनी हुई है, वैसे सीढ़ी भी ईंट चूना पत्थर की, ये मकान भी ईंट चूना पत्थर का। जब हमने छोड़ा था तो कहा था कि ये हॉल तो छत नहीं है, हॉल तो छत तो ऊपर है, आके देखा अरे ईंट चूना पत्थर के हो वो बने, यहाँ भी ये सब भी ईंट चूने पत्थर का बना। श्री रामचंद्र ने ज्ञान लाभ के पश्चात जब कहा कि मैं संसार में न रहूंगा, वशिष्ठ ने उपदेश दिए थे संसार में न रहूंगा, तब दशरथ ने समझाने के लिए वशिष्ठ को उनके पास भेजा। वशिष्ठ ने कहा, चिंतित हो गए, अरे ये ज्ञान लाभ इसके बाद में ये संसार में नहीं रहेगा तो कैसे होगा, दुखी हो गए, चिंतित हो गए। वशिष्ठ ने कहा, राम यदि संसार ईश्वर से अलग हो तो तुम इसे छोड़ सकते हो। श्री रामचंद्र को ज्ञान लाभ हुआ था। ज्ञान लाभ में क्या है, ज्ञान तब तक जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, तो इसको छोड़ो। श्री रामकृष्ण स्वयं कहते हैं ज्ञान का अर्थ क्या है, केवल समझ लेना सुन लेना नहीं है, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है, बस उसके अनुसार आचरण करो, संसार में कर्म करो, लेकिन आसक ये याद रखो मन लोगों के जगत मिथ्या है। राम से जब पूछा गया
यदि संसार ईश्वर से अलग हो तो तुम इसे छोड़ सकते हो। श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। वे अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि वे विज्ञानी थे, कि ईश्वर से अलग कोई चीज नहीं है। उन्हें फिर संसार न छोड़ना पड़ा। बात यह है कि दिव्य दृष्टि चाहिए। मन के शुद्ध होने पर ही वह दृष्टि होती है। दिव्य दृष्टि चाहिए, शुद्ध मन से ही होता है। दृष्टि होवे, हमारी अशुद्ध दृष्टि है जो वो भी व्यक्ति है, बिजनेस वाला है, वो सब देखता है कि कहाँ पैसा मिलेगा। आश्रम में भी आएगा तो देखेगा कि यहाँ से कुछ फायदा हो सकता है कि नहीं। आते हैं कि स्वामी जी आपकी मोबाइल वैन में हम पैसा देंगे, आप क्या करोगे? आप केवल इतना कर दीजिएगा कि आप नोटिस लगा दीजिएगा, स्पॉन्सर्ड बाय दिस एंड दिस, है ना, वो सब देखते हैं। तो जो लोभी व्यक्ति है, पैसे वाले, बिजनेस वाले, वो सब देखते हैं कि आश्रम से भी हमको मुनाफा होगा कि नहीं। तुलसीदास जी तो वर्णन करते हैं, कामदेव जब आए तो उन्होंने काम का विस्तार कर दिया, तो ज्ञानी व्यक्ति भी जो सब जगह देव माँ सब स्त्रियों को माता देखते थे, भगवती देखते थे, उनके अंदर वो कामनी दिखने लगे। तो ये सारा जगत मन पर निर्भर करता है, याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। दिव्य दृष्टि चाहिए, यहां से महत्वपूर्ण बात प्रारंभ होगी, इस यहां पर छोड़ देते हैं, शंख बज गया है। दिव्य दृष्टि चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। किस प्रकार मनोमय जगत हम निर्माण करते हैं और उस मनोमय जगत में हम रहते हैं, याद रखिए। दो जगत हैं, एक है ईश सृष्टि और दूसरी जीव सृष्टि। भगवान ने तो एक बनाया है, हम भी अपनी जगत की सृष्टि करते हैं, उसको हम अगली बार देखेंगे।